वालेकुम सलाम जी, आ रही है सर। ओके अभी किसी ने में से कल वाले में से कुछ चीज पूछनी है? जी सर, एक क्वेश्चन था कि वो थोड़ा सा इसके बारे में बता देगा। स्पैज़मीम होता है कि आपके जो स्मूथ मसल्स है ना, वो आपके कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी कि वो कोलैप्स कर जाते हैं। और ये एक एक्सेसिव यानी कि ऐसी कंडीशन है जो कि बिल्कुल क्रॉनिक स्टेज है। अगर आपकी कोई भी किसी किस्म की ब्रेन की कोई भी कंडीशन चल रही है, आपको ग्लायोमास हैं, ठीक है, आपको किसी भी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी इशू है काफी देर से, तो ये कंडीशन अकर हो जाती है। जी क्लियर हो गया आपको? ओके जी सर, थैंक यू सर। एक डायबिटीज में से मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मेरा माइक का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैं जी पूछने जी लगी पूछें थी। पूछें पूछें पूछें। सर, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे किस तरह इफेक्ट होता है? बच्चे जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है वो बेसिकली स्टार्चेस हैं, ठीक है, ये एज इट इज तो एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में, ठीक है। कोई भी चीज है वो एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एज इट इज जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है उसमें से वो ब्लड में बिल्कुल डिफ्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। उसको ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उसकी एंड प्रोडक्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन में कौन सी चीज है, क्या है उसकी एंड प्रोडक्ट, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लेक्टोज है, ठीक है, वो सारा हमें देखना पड़ता है। उसके बाद उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। ठीक। निम्न से प्लीज ट्यूबरक्लोसिस पे ले जाएं। सर उसी पर है, नहीं शो हो रहा आपको? नहीं, मुझे फर्स्ट पेज शो हो रहा है। एक स्लाइड शेयर होने लग पड़ी थी। जी हो रही है स्लाइड शेयर स्टार्ट। अच्छा, हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी सारी एटेक्लिक टेसिस, ठीक है, और सारी जितने भी सारे हमने डिजीज देखे थे रिस्पायरेटरी के, रिस्पायरेशन के रिलेटेड हमारा एक डिजीज कल रह गई थी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मीन टीबी। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि हो रहा होता है आपके लंग्स के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, उसके बाद आपकी जो अपनी जो इम्यूनिटी है, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, सीनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट्स, WBCs, ये सारे आके इन पे अटैक करते हैं। ये स्मॉलेस्ट साइज शुरू होता है, उसे इंगल्फ करना चाहता है। जब वो इसे इंगल्फ नहीं कर सकता, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया सबसे बड़ा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन बॉडी पे आके अटैक करता है, और जो हमारे इम्यूनो इम्यून सेल्स हैं वो इसे इनगल्फ नहीं कर सकते, वो उसके सराउंडिंग लेयर बना लेते हैं ताकि ये ज्यादा प्रोग्रेशन ना कर सके। एक वक्त के बाद वो सेल डेड हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनसे बड़े सेल्स आते हैं, फिर मैक्रोफेजेस आते हैं, और वहां पे फिब्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वहां पे सॉरी फाइब्रस लेयर्स बन जाती हैं, जिसके बाद जो उतना एरिया होता है हमारे लंग का वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ठीक है, समझ आ रही है आप सबको? जी सर, जब हमारा वो एरिया जो है डैमेज हो गया, इसका मतलब है वो एरिया बिल्कुल नकारा है, उससे कोई ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही, वो बिल्कुल फजूल है हमारी बॉडी के लिए वक्ती तौर पे। उसके बाद जब टीबी की हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि वो कितने परसेंट हमारे लंग्स को इफेक्ट कर चुकी है। मोस्टली जब टीबी डायग्नोज होती है, तब वो मोर देन 30-35% तक इफेक्ट कर चुकी होती है, और हमें लेट पता चल रहा होता है।
इसकी वजह से हमारे जो SpO2 लेवल्स हैं वो डिक्रीज होने लग पड़ते हैं, हमारी लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है, वेंटिलेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है जैसे 15-17 रेस्पिरेशन पर मिनट जो है वो इंक्रीज करके 30 तक पहुंच जाते हैं, और जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। लो ऑक्सीजन की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा होता, इसकी वजह से हमारी जो वेट लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हमारी किडनी इफेक्ट होने लग पड़ती है क्योंकि फैट की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रही होती, हमें स्टीटोरिया की कंडीशन हो जाती है क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, मेटाबोलाइज नहीं हो रही लो ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से। इसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट की अगली स्लाइड करें। निम्र अगली स्लाइड करें। निम्रा सर यही आ रही है इसके बाद। सर ये देखें ट्यूबरस प्रोसेस के बाद ये वाली और देन पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की अभी इसके बाद जो ट्रीटमेंट है जब आपके साथ मैं स्लाइड शेयर करूंगा ग्रुप में तब आप देख लीजिएगा। जो ट्रीटमेंट में इसके आता है इसमें सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स जाके जो बैक्टीरिया है उसको उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर देती हैं, और उसके बाद हम कुछ इम्यूनो बूस्टर्स दे रहे होते हैं, इम्यूनो सपोर्टर्स दे रहे होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है, और इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए कम समटाइम्स स्टीरॉइड्स जा रहे होते हैं एंड समटाइम्स एनसेड्स जा रही होती हैं, ठीक है जी। वो पल्मोनरी पे आते हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर लिखा हुआ है, यही साइड शो हो रही है आपको? नहीं जी, अब हो रही है शेयर। जब मैं अच्छा उसको स्लाइड शो पे करती हूँ तब फिर वो एक ही रह जाती है, और मैं करती रहती हूँ तो वो आप लोगों को शायद शो नहीं होता। हाँ, स्लाइड शेयर बेशक ना करो, स्लाइड शो ना करो, इसको वैसे ही रह लो, ज़ूम कर लेती हूँ। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास पल्मोनरी डिसऑर्डर। कोई मुझे बता सकता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर्स का डिफरेंस? एनीवन, कोई भी आज बोल ही नहीं रहे आप लोग बिल्कुल भी जी। नूर बोले। सर पल्मोनरी जो लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, रेस्पिरेटरी जो मतलब हमारे पूरे मतलब ट्रैक को इफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन के फ्रॉम माउथ टू लंग्स। रेस्पिरेटरी तो ठीक बताया है, पल्मोनरी जरा देखें जी। विशाल साकिब, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स का कोई आइडिया है आपको? पल्मोनरी डिसऑर्डर्स में एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, निमोनिया वगैरह ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नहीं, इसकी इसको डिफाइन करें ना प्रॉपरली कि हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को पल्मोनरी डिसऑर्डर्स से कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के होते हैं, ठीक है, ये फ्रॉम द माउथ टू द
एल्वोलाई, इसमें ट्रेकिया, लेरिंग्स, माउथ, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई सारे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं पल्मोनरी की, इट इज स्पेसिफिक अबाउट लंग्स ओनली। ये हमारे लंग्स, उसके अंदर हमारी ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाइज और उसकी जो आर्टरीज की हैं उनके डिसऑर्डर्स को हम सिर्फ पल्मो कह रहे होते हैं, कि जो वो पार्ट्स जो पल्यूरा से सराउंडेड है उनके डिसऑर्डर्स को पल्मोनरी कहते हैं, और पूरे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को, पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर को रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कह रहे होते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हर वकील इंसान होता है लेकिन हर इंसान वकील नहीं होता, यानी कि हर पल्मो वाला जो डिसऑर्डर है वो रिस्पायरेटरी में आएगा लेकिन हर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पल्मो में नहीं आएगा। जी क्लियर होगी बात? जी सर। जी सर। अच्छा अब हम बात करते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें हमारा जो ट्रैकिया है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। क्या होता है, कोई भी चीज है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है, वो समटाइम्स अगर ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है तो फिर तो आपके दोनों लंग्स ब्लॉक हैं। लेकिन अगर वो आगे जाके किसी एक लंग के ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में कर गई है तो वो आगे जितनी भी उसकी ब्रांचेस हैं, जितना भी वो लंग उसके साथ अटैच होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, वो सारा नकारा किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि वो आगे जाके फर्दर रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। इसके इसकी वजह से सीओपीडी वाली स्लाइड करो। सीओपीडी में सबसे पहले जो हो रहा होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन कोई भी चीज है, एनी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बाहर से कुछ भी फूड पार्टिकल है आपका, एपिग्लॉटिस या ग्लॉटिस ने सही वर्क नहीं किया, आपका म्यूकस है वो चला गया अंदर, ठीक है। तीन चार चीजें जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं बच्चे को, चीज कई दफा इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। कोई भी शार्प चीज होती है जो आपके एपिग्लॉटिस को नुकसान देती है या आपके ट्रैकिया और ब्रोंकाइस पास कर देती है, म्यूकस है। जी बोले, इसमें इन्फ्लेमेशन होती होगी। बिल्कुल, आगे मैं इन्फ्लेमेशन की बात करने वाला था। जैसे ये जाके ब्लॉकेज करती है, आपको पता है वहां पे सेल्स होते हैं, ठीक है। जब कोई चीज किसी चीज के साथ फंस रही होती है किसी पाइप में, जब वो स्ट्रक होती है तो उसके साथ सेल्स होते हैं, ठीक है। उन सेल्स पे जब प्रेशर एग्जर्ट होता है वो बर्स्ट करते हैं, ठीक है। उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट होती है और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन जैसे ही आई, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन आ गए, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन आए म्यूकस और सिक्रीट होने लग पड़ा। एक चीज पहले ही ऑब्स्ट्रक्ट है, उसके बाद हम ऊपर से और म्यूकस आ रहा है वो उसे और बिगाड़ रहा है, तो क्या होता है SpO2 के लेवल डिक्रीज करने लग पड़ते हैं, वेंटिलेशन का जो रेट है वो इंक्रीज करने लग पड़ता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो किस तरफ जा रहा होता है, हाइपर एपनिया की तरफ, ठीक है। मोर ब्रीथिंग रेट को हाइपर एपनिया कहते हैं। एनर्जी नीड्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है उस पेशेंट की, क्योंकि बार बार वो रैपिड रिस्पायरेशन की वजह से उसके जो लंग्स हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, लंग्स की इटसेल्फ एनर्जी इंक्रीज की होती है और बॉडी की भी नीड्स इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में आ रहे होते हैं, सॉरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बॉडी रिलीज करता है, और ये सारे आगे आगे हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होते हैं डिस्टर्ब कर देते हैं। जी अगली स्लाइड करें निम्रा। इसके बाद में बच्चे ब्रोंकाइटिस, ITIUS वर्ड्स इटसेल्फ shows it's all about inflammation, ठीक है। It may be viral or bacterial, it doesn't make any sense के किसी और third medium से वहां पे आके inflammation हो गई है। Inflammation सिर्फ दो main reasons होती है, एक bacterial inflammation होती है, दूसरी viral inflammation होती है। Viral inflammation पाकिस्तान में इतनी नहीं देखी जाती है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली देखी जाती है। पाकिस्तान में जो ब्रोंकाइटिस का इशू है उसमें सबसे जो कॉमन है वो TB, निमोनिया, ये दो, और इटसेल्फ ब्रोंकाइटिस, ये तीन जो इन्फ्लेमेशन ये हो रही होती है, ठीक है। इसमें
जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फिर से म्यूकस और प्रोस्टाग्लैंडिन के इंफ्लेमेटरी कंपाउंड आएगा, म्यूकस रिलीज होगी और SpO2 फॉल करने लग पड़ेगी। मैं बार बार SpO2 कह रहा हूँ फॉल कर रही है, किसी को कुछ समझ आ रही है क्यों फॉल कर रही है, ये चीज क्या है? सही जो आपने सिचुएशन जी जी बोले जी जी बोले कंप्लीट कर ले सर, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात हो रही है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन सैचुरेशन की ही बात हो रही है कि जब हमारा लंग का जैसे 1/3 पार्ट है किसी भी लंग का वो ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, उससे प्रॉपर आगे एयर नहीं जा रही, वो अपना प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन नहीं प्ले कर पा रहा, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है SpO2 फॉल करेगी, ठीक है, हाइपर एपनिया की तरफ जाएगा पेशेंट। जी नूर आप बात कर रही थी कुछ। सर आपने लास्ट में बोला एक टीबी निमोनिया और एक सेल्फ इंड्यूस्ड मैंने कहा था इटसेल्फ ब्रोंकाइटिस, सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं इटसेल्फ ब्रोंकाइटिस। सर इस मतलब इसका जरा बता दें, इसके थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। मतलब ये कि एक निमोनिया बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो कि ब्रोंकाइज में हो रहा होता है या ब्रोंक्यूल्स में, और ट्यूबरक्लोसिस भी सम टाइम ब्रोंकाइज और ब्रोंक्यूल्स में हो रहा होता है, और इटसेल्फ ब्रोंकाइटिस जो कि निमोनिया और टीबी से एक हट के इन्फेक्शन अगर लंग्स में हो जाता है, जैसे कि कोविड की हम बात करें वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन आजकल पेंडेमिक कोविड की अगर हम बात करें तो ये भी ब्रोंकाइटिस एक तरह का लीड कर। समझ आ गई इस बात की? जी जी सर थैंक यू। कोई बात नहीं जी। इसके बाद आते हैं हमारा पोस्ट कोविड और एस्पिरेशन निमोनिया। जब भी हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं ना, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट है उसका कोविड PCR नेगेटिव है, डायग्नोज हुए हुए उसे 21-27 डेज हो चुके हैं लेकिन अभी भी उसकी SpO2 राइज नहीं कर रही, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हैं, पेशेंट जो हमारा पेशेंट है वो ड्राउजी है, अनकॉन्शियस है, उसे वेंटिलेशन पे है, ऑक्सीजन सपोर्ट जा रही है, हम उसका जब लंग एक्सरे रन करेंगे तो क्या देखेंगे? परफ्यूजन हुई हुई है, ठीक है, परफ्यूजन मीन उसके अंदर फिब्रोसिस है, म्यूकस बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे थे? एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन मीन एस्पिरेशन मुझे भी बताए जल्दी से, मुझे बताएं एस्पिरेशन का मीन। जी नूर आप बताएं, विशा आप बताने लगी, आप बता दें। मुझे बताएं एस्पिरेशन क्या होती है? मुझे देख के बता रहे हो? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, देख के बताना तो क्या फायदा। सॉरी सर मेरा हाथ गलत जगह पे लग गया था, वो सेटिंग्स कुछ और खुल गई थी, मैं जवाब दे देती लेकिन मुझे अभी इसका नहीं पता। अच्छा चलो मैं बता दूँ। एस्पिरेशन मीन कि जब हम किसी भी चीज किसी भी ट्यूब की बात करते हैं ना, एस्पिरेशन किसी भी ट्यूब की, किसी फ्लूइड की, म्यूकस की, जब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि वो उसमें से बैकवर्ड अपवर्ड जब वो मूव करने लग पड़ता है ना, हम उसे एस्पिरेशन कह रहे होते हैं। एनजी अगर हम किसी पेशेंट को पास करें ना एनजी ट्यूब, सेफ कंसीडर किया जाता है लेकिन मोर देन 50 पे एनजी को है रिमूव करके पेग पे शिफ्ट कर देते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया में ये हो रहा होता है कि आपका म्यूकस है ना
वो स्पूटम पर, स्पूटम प्रोडक्शन, थूक बेलगम हम जिसे कहते हैं, पॉजिटिव होता है, स्पूटम मोर प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ गई इस बात की? जी सर बोलो। ठीक है, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमन है, ठीक है, और इसी वजह से लोग इतने ज्यादा वेंटिलेटर्स पे, लंग्स परफ्यूजन्स हो जाती हैं, इसमें SPO2 फॉल कर देता है, जब SPO2 फॉल करेगा पेशेंट शॉक में चला जाता है, और SPO2 इनका बहुत ज्यादा लीथल फॉल करता है, इतना ज्यादा फॉल करता है कि आप कर भी कुछ नहीं सकते, लंग्स डैमेज पड़े हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 पे है, ब्रोंकोडायलेटर्स जा रहे हैं, उसको स्टीरॉइड्स जा रहे हैं, नहीं इम्प्रूव कर रहा पेशेंट, क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से पेशेंट देखा है ये वाला पोस्ट कोविड में, आप पीछे हटके खड़े हो जाते हैं, आप कर भी कुछ नहीं सकते, और वो सबसे डेडली पॉइंट होता है कि आखिरी हरबा यूज हो गया, वेंटिलेटर से आगे कुछ नहीं है, ठीक है, हर चीज उसे लग गई है। उसके बाद फिर कंफर्ट केयर होता है, कंफर्ट केयर मींस, किसी को पता है कंफर्ट केयर क्या होता है? नो सर। कंफर्ट केयर होता है कि पेशेंट के ऊपर से जितनी भी मशीनरी है वो सारी रिमूव कर देते हैं, कोई भी उसे पिन नहीं लग रही होती, यानी कि सुई नहीं लगाते, कोई भी इंजेक्शन की नीडल नहीं जा रही होती, हर चीज रिमूव कर देते हैं और उसके कैबिन में अजान चला देते हैं, अगर उसने बचना होता है तो बच जाता है, नहीं तो खत्म। ये वेंटिलेशन के बाद का होता है और मोस्ट कॉमन पोस्ट कोविड में यही चल रहा है आजकल। ये बहुत खतरनाक चीज है, एस्पिरेशन निमोनिया, आपके लंग्स कोलैप्स किए होते हैं, आपको क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मैं बोल रहा हूँ तो मैं परेशान हो गया हूँ कि यार मेरे सामने वो बिल्कुल वैसे ही आ गया वो पेशेंट, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पेशेंट को आज देख के आए हैं, पेशेंट वेंट पे है, अगले दिन जाते पेशेंट उधर होता ही नहीं है ICU में, ये हालात चल रहे हैं। तो सर जो जो लोग रिकवर मतलब हो जाते हैं और उनके जो लंग्स को डैमेज हो गया है, तो वो मतलब रिकवरेबल होता है या नहीं होता है? और जाहिर है एक अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो उसकी SPO2 राइज कर रही है जी, ठीक है, SPO2 इंप्रूव कर रही है, तो कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, पेशेंट ठीक तो मतलब सर अक्सर जो कोरोना के केसेस, अभी मेरी फैमिली में भी एक दो हुए हैं, तो उनका एकदम होता है कि एकदम से फॉल गिरती है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा फॉल करती है, कर जाती है, लेकिन खुद ब खुद ही स्टेबल भी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती उनका, उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 80s में आएगी, और जब वो थोड़े से स्टैंड अप पोजीशन में जाएंगे या थोड़ी सी एयर उनके साथ ज्यादा इंटैक्ट करेगी तो पेशेंट की SPO2 राइज करने लग पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ऐसी कंडीशन होती है ना, कोविड नहीं होता, ये कोविड में कभी भी इतनी जल्दी राइज नहीं करती, उनको निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या उनको कुछ और इशू हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको कोविड नहीं कहते, क्योंकि 3-4 केसेस हम लोग जी, मैं आपकी आपने उस दिन भी कहा था कि निमोनिया वाले पेशेंट को हमें मजबूरन अब जो है वो कोविड के उसमें करना पड़ता है, यही हुआ है कि उनका टेस्ट हुआ है ना तो वो पॉजिटिव आया टेस्ट, और वो पेशेंट जो है वो डायबिटिक भी हैं, तो और उनका टेम्परेचर मतलब एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और एकदम जो है वो 103 पे पहुंच जाता है, एकदम ही मतलब फॉल और राइज, और मतलब मेडिकेशन भी चल रही है, पर अब वो समझ नहीं आ रहा है कि जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो क्या करना चाहिए या क्या नहीं, डॉक्टर जो डील कर रहे हैं उसे तो मेडिसिन इतनी दे दी है, 8 टैबलेट्स उनको एक टाइम पे 8 टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, तो वो समझ से बाहर है कि वो ट्रीटमेंट किस तरह का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे मेरी बात सिंपल, आप उनकी जब देखेंगे ना, सिंपल कभी मेडिकेशन की देखना, उनके अंदर जो जेनेरिक लिखा होगा ना फॉर्मूला मेडिसिन का, उसे नेट पे आप सर्च कर लेना, उसके अंदर 3 चीजें लाजमी होंगी, पहला ब्रोंकोडायलेटर होगा, दूसरा स्टीरॉयड होगा इटसेल्फ, एक डेक्सामेथासोन होगा, ठीक है, और ब्लड थिनिंग एजेंट होगा, मे बी एस्पिरिन देते होंगे, ठीक है, और बाकी सारे उन्होंने दिए होंगे, कुछ कैल्शियम जा रहा है, कुछ विटामिन सी दे रहे हैं, कुछ कॉपर दिए, जिंक दिए जा रहे हैं, और विटामिन डी के तो इतने दे देते हैं ना,
मेरी फैमिली में खुद हुआ था ये केस और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था उस पेशेंट को जी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और वो वर्किंग दोबारा से स्टार्ट की है उन्होंने। हाँ जी, तो वैसे ही रिकवर एग्जैक्टली रिकवर तो हो जाता है, लेकिन वो एक बेसिक मसला ही है कि वो रहते दूसरे शहर में है, तो एक तो कोई है नहीं है टेक केयर के लिए, तो वो यही इशू हो रहा है। कोविड वाले को कोई और कोमोर्बिडिटीज है ना, कोई और डिजीज है रिलेटेड टू लंग्स और हार्ट और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाले का इतना इश्यू नहीं है, बेसिकली लंग्स की जो डिजीज है ना, जिनको पहले से ही अस्थमा है, जिनको पहले से ही कभी टीबी रह चुका है, ठीक है, जिनको अस्थमा है, जो स्मोकर्स हैं, उनकी टेंशन है, बाकियों को तो कोई नहीं, बाकियों को तो माशाल्लाह रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये भी मैं एक ऐसा केस बता रहा हूँ, हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं होते जी, तो ये बड़ा चलता है आजकल, काफी इशू आया हुआ है। बस अपने आप को सेफ रखें और बचें जितना हो सकते हैं। हम कहाँ पे थे, नमूनिया। अब हम बात करते हैं इसकी एमएनटीज की। एमएनटी में बचे सबसे पहले अगर हम किसी भी लंग की बात करते हैं, ठीक है, लंग्स में बेसिकली सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव की जाती है, उसके बाद उसकी इटसेल्फ बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, उसकी इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जा रहे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स जा रहे होते हैं, ओमेगा 3 जा रहा होता है, ठीक है, फिश मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में जाते हैं, कुछ भी स्टॉप नहीं करते हम इसमें। प्रोटीन जो है वो मॉडरेट दे रहे होते हैं, हाई भी नहीं देते, बॉडी इटसेल्फ स्ट्रेस में होती है, उससे निकलने के लिए भी प्रोटीन चाहिए और स्ट्रेस में होने की वजह से भी प्रोटीन कम देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन सी और कैरोटीन, ये सारे जो है इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं बॉडी को। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शंस की। रिस्ट्रिक्शंस में हमारे पास आते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड फैट जो, ठीक है, एसडीएल इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट इंक्रीज करेगी, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करेगा, लंग्स पे और प्रेशर आएगा, कोई फायदा नहीं है सैचुरेटेड फैट देने का, बल्कि नुकसान ही। फ्राइड आइटम्स, वो भी सैचुरेटेड फैट्स की तरफ आ जाती है। वाइट फ्लोर, लो फाइबर, ये भी नहीं जाएगा। फैटी आइटम्स लाइक केक, आपने इसकी एमएनटी देखी होगी, बड़ी जनरलाइज सी एमएनटी, बड़ी सिंपल सी है, बड़ी नॉर्मल सी है, डायबिटीज की तरह की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि पल्मों में आपका फिजिशियन पीछे खड़ा होता है, आप सारे जो आप पीछे आपके बांध के खड़े होते हैं, तो न्यूट्रिशंस क्या कर रहे होते, सिर्फ बॉडी को हम सपोर्ट कर सकते हैं, बॉडी ने पल्मों में खुद रिकवर करना होता है और सारी वो चीजें जो उसे सपोर्ट कर रही है वही हम देंगे। समझ आ रही है बात की जी सर। आगे एक डाइट प्लान है, वो निम्राइन को शो करें, ये आप लोग जब मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा आप जूम करके देख लीजिएगा या वैसे भी देख। ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, इसके अंदर कुछ ओट्स हैं, मैंगो शेक है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है, किडनी बीन्स हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है, ORS है वाटर को मेंटेन करने के लिए। आप निमोनिया में मैंगो शेक दे रहे हैं? मैंगो शेक बचे है उसे वो रिकवर करने के लिए, सिर्फ निमोनिया का नहीं है ये, वैसे एक पेशेंट था COPD का, निमोनिया वाले का नहीं है ये, मैं वैसे क्लियर कर दूं, निमोनिया वाले को कभी भी नहीं जाएगा, निमोनिया वाले का बड़ा और प्लान होता है हाइपोथेटिकल किस्म का, ये COPD का प्लान है। सर मैंगो शेक भी तो ठंडा होता है, तो वो भी तो ऑब्स्ट्रक्शन कर ही सकते हैं। मैंगो शेक कभी गर्म नहीं देखा, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं देखा शेक, जब भी किसी जब हम बात करते हैं ना रिक्रिएशनल किसी भी चीज की, जब हम रेसिपी ढूंढ रहे होते हैं, रिक्रिएशनल रेसिपीज की बात कर रहे थे, हम उसमें ना शेक्स लिख रहे होते हैं, शेक का मतलब है कि मैंगो जा रहा है, मिल्क जा रहा है, शुगर जा रही है, एक अच्छी एनर्जी जा रही है, ठीक है। आप एक पेशेंट को कहें एक मैंगो खा लेना है, दो ग्लास दूध पी लेने हैं, ठीक है,
पेशेंट आपके मुंह की तरफ देखेगा कि क्या पहले मैं बीमार हूँ, मेरे से सांस लिया नहीं जा रहा। पेशेंट को आप कहेंगे ना आपने शेक पीना है, मतलब बिल्कुल मैं दो ग्लास पीऊंगा, ठीक है। पेशेंट ठंडा ना दे, मिल्क वाली चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स को इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन और रेस्पिरेटरी डिजीजेस में भी सेपरेट किया जाता है। अब यही तो फर्क है एक पोजीशन में न्यूट्रिशन को, उनको नहीं पता मिल्क क्या कर रहा होता है। मैंने बात की है सीओपीडी, मैं अस्थमा निमोनिया ब्रोंकाइटिस इंफेक्शन में गया ही नहीं हूँ, मैं सीओपीडी सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ये उसका प्लान है, ठीक है। चले बच्चों ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज ग्रुप में पूछ लिया करें, मैंने कल भी कहा था फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है पूछ लिया करें यार, मैं किनको पढ़ा रहा हूँ, पत्रों को पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं नहीं सर हमें इंसानों को बिल्कुल पता लगे ना मुझे। चले ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।